जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकी और सेना के बीच हुई मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए और एक जवान शहीद हो गया है। सेना ने बारामूला जिले के सोपोर से एक आतंकी को भी गिरफ्तार किया है। भारतीय सुरक्षा बलों को बांदीपुरा इलाके में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके का घेराव किया और तलाशी अभियान को अंजाम दिया। आतंकियों की तरफ से की गई फायरिंग का जवाब देते हुए सेना ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया, लेकिन इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है। इसके साथ ही मारे गए आतंकियों के पास से दो AK-47 बरामद की गई। इस बीच बारामूला जिले के सोपोर के तुजर शरीफ गांव में चले तलाशी अभियान में सेना ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकी की पहचान मजीद अहमद मीर पुत्र बशीर अहमद मीर के रूप में हुई है और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से इसके संबंध बताए जा रहे हैं। फिलहाल पूरे इलाके में सेना की ओर से तलाशी अभियान जारी है। आपको बता दें कि दो दिन पहले बांदीपुरा मुठभेड़ में मारे गए दो आतंकियों के पास से 2000 रुपए के 4 नए नोट और भारी तादाद में हथियार बरामद हुए थे। जम्मू कश्मीर में कई महीनों से जारी तनाव के बीच आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। हर दूसरे दिन आतंकियों से मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। फिलहाल कई दिनों से चल रहे कश्मीर को शांति की जरूरत है। देखते रहिए डीबी लाइव।